गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कहानी पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार रहे हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में और उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के साथ इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इन्हें प्राप्त हुई। इनका मूल नाम आनंदीलाल था। इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई। तो अब इस कहानी का जो भाव है वह यह है कि लेखक ने मानव मन के भावों को बताया है, क्योंकि लेखक एक मनोवैज्ञानिक कथाकार भी है, तो ये मानव या मनुष्य के जो भाव होते हैं उनको अपनी कहानियों में इन्होंने बताया है। तो इस कहानी में भी उन्होंने मानव मन के भावों को तो बताया, लेकिन मूल रूप से मानव के स्वार्थी और लालचीपन से जुड़े भावों को इस कहानी में दिखाया है। यहाँ लेखक ने सेठ माधवदास के माध्यम से लालच और उसके स्वार्थ को दिखाया है, तो वहीं एक छोटी चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता के प्रति उसके प्रेम को दर्शाया है और आज़ादी का महत्व बताया है। तो शुरू करते हैं कहानी चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यहाँ लेखक ने माधवदास और उनके वैभव का वर्णन किया है और उन्हें क्या पसंद है, किस तरह के व्यक्ति हैं, यह इस कहानी की शुरुआत में बताया है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द भी हैं, उनके बारे में देखते हैं। संगमरमर एक तरह का पत्थर होता है जिससे इमारतें बनाई जाती है। सुहावना का मतलब होता है अच्छा लगना, मन को भाने वाला। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत या नशा। अभिरुचि मतलब उनकी जो रुचि है, जो हॉबीज़ है, वो फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी। तो इसमें रकाबी का मतलब होता है तश्तरी या इस तरह की आकृति वाले फव्वारे, और हौजों का मतलब होता है कुंड या पानी का टैंक। इसके अलावा मसनद कहते हैं एक गोल लंबा तकिया। तो शुरू करते हैं इस कहानी का मूल भाव। इसमें माधवदास ने अपनी संगमरमर की कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत ही सुहावना यानी सुंदर बगीचा उन्होंने लगवाया है, क्योंकि उन्हें कला या सुंदरता से बहुत प्रेम है, उन्हें अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। धन की उनके पास कोई कमी नहीं है और कोई नशे की आदत भी उन्हें नहीं है, कोई भी बुरी आदत उनमें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी, उनको अच्छी चीज़ें पसंद है और अभिरुचि यानी कि उनकी हॉबी भी अच्छी इस तरह की कला में है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो वाटर टैंक या फिर कुंड है उनमें
फूल पौधों से उसको सजाया गया है और उसके जो फव्वारे हैं उसमें से जो पानी उछलता है वो उन्हें उस देखना बहुत अच्छा लगता है। और उनके पास समय भी बहुत है, तो अपना वो शाम का जो समय है जब धूप कम हो जाती है और आसमान जो है वो ढलती धूप की वजह से और कुछ कुछ बादलों की वजह से बहुत ही अच्छा लगता है, अलग अलग रंगों का हो जाता है, उस समय उन्हें उस बगीचे में बैठना जो कि कोठी के बाहर है, वहाँ पर चबूतरे पर एक तख्त यानी कि बैठने का पलंग जिसे कहते हैं डलवा कर और मसनत का सहारा लेकर वे बैठ जाते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं। आगे इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनत के सहारे बैठे थे, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। तो यहाँ लेखक ने माधवदास के घर और बगीचे का वर्णन किया पहले और वो कैसे शाम अपनी बिताते थे उसके बारे में बताया। तो आगे लेखक कहते हैं कि उस बगीचे में बैठकर उनके मन को तृप्ति यानी कि खुशी या अच्छा लगता था, वहाँ मन को उनको दूसरा मतलब इसका होता है संतुष्टि या खुशी या प्रसन्नता। तो बगीचे में बैठकर उनके मन को खुशी मिलती थी, उनके मित्र अगर उनके साथ होते तो वे विनोद चर्चा या हंसी मजाक या किसी बात की किसी भी विषय पर चर्चा करते और नहीं तो फर्शी हुके की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। तो लेखक कहते हैं कि फर्शी मतलब जो उनके पास में फर्श पर हुक्का रहता था उसकी सटक यानी कि उसका जो सिरा होता है उसको पीते हुए सोचते सोचते ऐसे ही ख्याल ही ख्याल में संध्या जो शाम होती है उसे गुजारते थे। तो उस दिन की बात बता रहे हैं, एक दिन की जिसमें बादल होने की वजह से हल्की हल्की धूप आ रही थी, उन बादलों से छन छन कर यानी उन बादलों से बीच बीच में से धूप निकल रही थी, धूप आ रही थी। और उस दिन भी जो सेठ है वो मसनत के सहारे बगीचे में बैठे थे और वे सोच रहे थे कि उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो खालीपन जैसा लगता है उन्हें, जिसकी वजह से पूरी तरह से संतुष्ट वो नहीं हो पाए हैं। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो देखते थोड़े ऐसे जब वो सोच रहे थे तो सामने एक गुलाब के पौधे पर उसकी डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठी, आन मतलब आकर बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी और उसकी जो गर्दन थी उसका रंग लाल था और फिर बाकी के शरीर की तरफ हल्का गुलाबी होते होते फिर उसके जो पंख थे वो नीले नीले से होने लग गए थे। तो इस प्रकार चिड़िया का वर्णन उन्होंने किया है। आगे पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे, इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। तो लेखक चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो गर्दन थी वो लाल थी
और धीरे धीरे नीचे की तरफ उसकी गर्दन गुलाबी होते होते नीली हो गई थी और जो उसके पंख थे वो चमकदार और शाह का मतलब होता है काले थे। उसके जो सिर था उसका वो छोटा सा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसके शरीर पर ऐसे लग रहा था जैसे बहुत अलग अलग तरह की चित्रकारी की गई हो, विचित्र प्रकार की अनोखी तरह की चित्रकारी उसके शरीर पर की गई हो। चिड़िया को ये पता ही नहीं था कि वहाँ पर माधवदास भी हैं, तो इसका मतलब चिड़िया को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वहाँ कोई और भी है और उसे थोड़ा सा तनिक मतलब थोड़ा सा थोड़ी देर का भी आराम नहीं चाहिए था, बल्कि वह कभी हिलती कभी इधर फुदकती कभी कुछ करती कभी कुछ, तो वो ऐसे लग रहा जैसे वो बहुत खुश है और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी सी आवाज़ें भी निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी, यानी कि जो अपनी इच्छा से काम करती हो, तो वह चिड़िया जो थी माधवदास को ऐसी लगी कि मनमानी सी लगी, अपने ही ख्यालों में अपनी इच्छा से वो काम कर रही थी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, उसकी जो आज़ादी थी कुछ भी काम करने की, उसकी वजह से ही चिड़िया इधर कभी इधर फुदक रही थी कभी उधर हिल रही थी और अलग अलग आवाज़ें निकाल रही थी, तो ये उसकी आज़ादी थी और वह माधवदास को बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना दिखता रहा, यानी थिरकना का मतलब होता है नाचना। तो चिड़िया जो इधर से उधर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर उड़ के फुदकते हुए एक तरह से नृत्य करती हुई लग रही थी, तो उसे वह माधवदास देखते रहे और इस समय जब वह उस चिड़िया को देख रहे थे तो अपने बारे में वो बिल्कुल भूल गए, अपना बहुत कुछ मतलब अपने बारे में सब कुछ भूल गए। आगे उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो माधवदास जब चिड़िया को देख रहा था तो थोड़ी देर तो वह भूल ही गया, उसको देखता रहा। फिर उसने उस चिड़िया से कहा कि आओ तुम बहुत अच्छे समय पर आई हो, बड़ी अच्छी आई मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे समय पर आई हो तुम, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। अगर कोई भी सुंदर बगीचा लेकिन उसमें अगर पशु पक्षी नहीं है, चिड़ियाएँ और दूसरे तोता मोर कबूतर इस तरह के पक्षी नहीं है, तो वह बगीचा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता बिना पक्षियों के। तो माधवदास कहते हैं कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना बहुत ही सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे ही लिए बनवाया है। और जब उस चिड़िया को एक डाल से दूसरी डाल पर माधवदास ने उछलते कूदते देखा, तो उसे कहा कि ये तुम यही समझो कि यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही मैंने बनवाया है और तुम जब चाहो बेखटके मतलब बिना किसी डर के यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, यानी उसने ध्यान ही नहीं दिया, फिर जब उसे लगा कि ये मुझसे बात कर रहे हैं तो एक पहले तो वह डर गई, यह जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई कि एकदम से, तो पहले वह डर गई ये सोचकर कि उसी से बात कुछ बोला जा रहा है, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था ये बगीचा आपका है। संकोच यानी कि शर्म या झिझक को जीतकर झिझकते हुए वो बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेने यानी कि थक उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए थोड़ी सी सुस्ताने के लिए या सांस लेने के लिए टिक गई मतलब रुक गई, मैं अभी चली जाती हूँ। आगे माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो कैसी प्यारी हो,
जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया कुछ कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो जब माधवदास चिड़िया से बात करने लगे और उन्हें बोला कि यह बगीचा तुम लोगों के बिना बहुत सूना है, तुम यहीं आ जाया करो, बिना डर के कभी भी यहाँ आ जाया करो। तो चिड़िया पहले तो डर गई और फिर कुछ झिझकते हुए बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ थोड़ी सी देर के लिए, मुझे यहाँ अच्छा लगा इसलिए आकर बैठ गई थी। तो माधवदास आगे कहते हैं कि हाँ, बगीचा तो मेरा है और ये संगमरमर की जो कोठी है, संगमरमर की जो भवन है बड़ा सा, यह भी मेरा है, लेकिन इन सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, तुम इसे अपना घर भी मान सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, तो तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम जाओ नहीं, बैठो, मुझे तुम्हारा बैठना तुम अच्छा लग रहा है, तुमसे बहुत तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। अब उसे थोड़ी सी और शर्म आने लगी, उसे और उसे मुझे लगा उस यह मन में सोचने लगी कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, यहाँ आकर उसने कुछ गलत तो नहीं किया। उसका थिरकना रुक गया। अभी तक तो वो खुशी से सब कुछ देख रही थी और नाच रही थी, लेकिन अब जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो उसका थिरकना, जो नाचना था, वह रुक गया। एक फुदकना एक डाल से दूसरे डाल पर यह रुक गया और वह डर कर बोली कि मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो वह डर गई और बोली कि नहीं, मैं तो थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी और ये बगीचा आपका है और मैं यहाँ गलती से आ गई, इसके लिए मुझे माफ़ करें। आगे माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। तो जब चिड़िया ने कहा कि मैं गलती से आ गई थी और वो कुछ डर सी गई और उसका जो थिरकना था वह भी बंद हो गया, तो माधवदास ने कहा कि तुम बहुत भोली हो, तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, चित्त प्रफुल्लित होने का मतलब है बहुत खुशी होना, और मेरा जो महल है, ये कोठी है, ये बिना चिड़ियों की चहचहाट के या बिना शोरगुल के बहुत ही सूना है, वहाँ कोई भी पक्षी नहीं है, इसलिए वहाँ कोई भी चहचहाता भी नहीं है, तो तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी तुम्हें देखकर सबका जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, तुम यहाँ ही क्यों नहीं रह जाती, कि तुम बहुत ही अच्छी हो तो यहाँ क्यों नहीं रुक जाती हो तुम। लेकिन चिड़िया बोली कि मैं तो मेरी माँ के पास जा रही हूँ, थोड़ी देर ऐसे ही मैं तो धूप में निकली थी और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने के लिए मैं अपने घर से थोड़ी सी दूर उड़कर आ गई थी, लेकिन अब सांझ मतलब होता है शाम, तो अब शाम हो गई है तो और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और मैं बस अभी अभी चली जा रही हूँ, तो आप सोचना करें, आप कुछ भी विचारें नहीं या सोच चिंता न करें।